हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल। तो आज अनदर मैं आपके लिए सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ विच इज़ फ्रॉम द पाकिस्तानी नेशनल। डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी करके दिए हमने, जाके फिर एम्बेसी में अप्लाई किया और 2 हफ्ते में इंशाल्लाह मुझे वीज़ा मिल गया। मैं आशा करता हूँ मेरे सारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर जो भी मेरे इस चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वॉच करते हैं वीडियोज़ को, आप सभी तंदुरुस्त होएगी, ये कोरोना से COVID-19 से ओमिक्रॉन से बचे होंगे, आपका काम जॉब हर चीज़ सिक्योर रहे, आपके लिए ये विश करते हैं। तो आज अनदर मैं आपके लिए सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ विच इज़ फ्रॉम द पाकिस्तानी नेशनल। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ऑफिस दुबई में है और मेरे पास यहाँ पे पाकिस्तानी बांग्लादेशी बहुत क्लाइंट हैं जो कंटिन्यूसली आ रहे हैं और अपनी सर्विसेज ले रहे हैं। सो दिस इज़ द अनदर सक्सेस स्टोरी फॉर पाकिस्तानी नेशनल। तो इनके बारे में बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। बेसिकली ये सियालकोट से हैं, पाकिस्तान से, तो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं अपना खुद का। तो इन्होंने हमसे सर्विसेज ली, कैसे हमको ढूंढा, कितने पैसे दिए, वो भी इनसे बात करेंगे। और वीज़ा लगने के बाद में ये खुश हो के एक पंजाबी पाकिस्तानी पंजाबी जुत्ती होती है हमारे पाकिस्तान पंजाब में भी सेम है, ये इंडिया की पाकिस्तान की पंजाबी वो जुत्ती लेके आए मेरे एम्प्लॉय के लिए जिन्होंने इनका फाइल बनाया था। तो बोला खुश होके कि ये चीज़ आप ज़रूर बोलो बीच में, एम्प्लॉय बोला। तो ये है चीज़, ये है वीज़ा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो पहले तो इनको हम कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, फिर इनसे बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए, क्या दिया, कितने पैसे लिए, कैसे लिए, तो कैसे इन्होंने हमको ढूंढा, ये पूरी बात करेंगे हम क्लाइंट से। जी सर जी, तुम दस सकते थोड़ा जा आने बारे डिटेल देखी। सर मैंने संजीव भाई की वीडियो देखी है, उनमें देखकर हमने फिर इनसे रब्ता किया और हम इनके पास आए हैं। आके फिर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको दिए हैं, इन्होंने फिर अप्लाई किया और अप्लाई करने का 800 दिन में इन्होंने लिया हमारे से। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी करके दिए, हमने जाके फिर एम्बेसी में अप्लाई किया और 2 हफ्ते में इंशाल्लाह मुझे वीज़ा मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इससे पहले कभी शेंगेन आपने अप्लाई किया? हाँ नहीं, इससे पहले मैंने शेंगेन वीज़ा अप्लाई नहीं किया। इसमें मैंने अपना थाईलैंड का और तुर्की का और मिस्र का और एक दो मुल्क और इससे पहले मैंने विज़िट किया हुआ है, उसके बाद अभी फिर मैंने ये वीज़ा अप्लाई किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़र्स्ट टाइम में वीज़ा जो है मिल गया है। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारे साथ बहुत कंप्रोमाइज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंशाल्लाह आगे हम लोग वीज़े के लिए इंशाल्लाह इनके साथ रबता रखेंगे। और दूसरा भी कोई हमको इंशाल्लाह जाना होगा किधर, तो इनका सर्विस अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा कोऑपरेट करते हैं आदमियों के साथ और अच्छा सर्विस देते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त अहबाब जाने के लिए वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनके साथ रबता करें और इंशाल्लाह आपको अच्छी सर्विस मिलेगी और इंशाल्लाह आपको वीज़ा भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं थोड़ा गाइड करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू आप सभी को, सारे व्यूवर्स को। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं मेरे पास जो जिनका कहीं का भी कोई ट्रैवल नहीं है, रिसेंटली यहाँ पे आते हैं। इनकी तो चलो एक एज है, एक प्रोफाइल है इनकी और एक दो कंट्री, दो चार कंट्री इन्होंने बताया ट्रैवल भी किया हुआ, ईजिली वीज़ा मिल गया इनको। तो इनको भी मिलने का, वीज़ा मिलने का रीज़न ये है कि इन्होंने ट्रैवल किया है। तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं, या तो आप दुबई में थोड़ा पुराने टाइम से रहते हो तो आपके लिए अच्छा है, एक दो चार साल, क्योंकि हमारी भी बहुत सारी ऐसी वीडियो जो हमने फर्स्ट टाइम में वीज़ा लिया है, यंगस्टर का वीज़ा लिया है, लो प्रोफाइल में वीज़ा लिया है। लेकिन स्टिल मैं ऑलवेज़ रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास में थोड़ा टाइम है और थोड़ा पैसा है तो एक दो कंट्री शेंगेन से पहले आप ट्रैवल कर लो, क्योंकि शेंगेन का वीज़ा बहुत ही बड़ा वीज़ा है, ये छोटा वीज़ा नहीं है। इसके अंदर 26 कंट्री हैं जो जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, स्वीडन, पोलैंड, पुर्तगाल, लाटविया, लिथुआनिया, हंगरी, माल्टा, ग्रीस, शेंगेन की यूरोपियन की बड़ी बड़ी कंट्रीज जिसमें बहुत अच्छे वेजेस हैं, सैलरी है, सोशल सिक्योरिटीज़ है। तो ये कंट्री को ऑलवेज डाउट होता है क्योंकि हमारा पासपोर्ट है जो वो लो ग्रेड का है, एशियन कंट्री का पासपोर्ट लो ग्रेड का है, तो उनको ऑलवेज डाउट होता है कि आप उधर से वापस नहीं आओगे। तो अगर आपके पास में टाइम है या थोड़ा पैसा है तो आप एक दो कंट्री, जैसे UAE की वीज़ा के ऊपर बेनिफिट क्या है, आपको बहुत सारी कंट्री ऑन अराइवल मिल जाएंगी जो कि आपको इंडिया पाकिस्तान के वीज़े के ऊपर या बांग्लादेश के पासपोर्ट के ऊपर नहीं मिलती हैं। आप जॉर्जिया जा सकते हो, अजरबैजान जा सकते हो, आर्मेनिया जा सकते हो, ओमान जा सकते हो, गल्फ की काफ़ी कंट्री हैं जो ऑन अराइवल हैं, यूरोपियन की कंट्री हैं, अल्बानिया हो गया, सर्बिया इंडियन पासपोर्ट के लिए ये ऑन अराइवल हैं। अगर ऑन अराइवल कंट्री भी नहीं तो आप तुर्की का वीज़ा ले लो, इजिप्ट का वीज़ा ले लो, ये वीज़े बहुत आसानी से मिल जाते हैं और ऑलमोस्ट 100% वीज़े मिल जाते हैं। तो एशियन कंट्री घूमने का, ट्रैवल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप पहले इन दो, एक दो कंट्री का अगर वीज़ा ले लोगे तो शेंगेन आपके लिए ईजी हो जाता है।
तो जो बंदे ऑलरेडी शनिगन से रिफ्यूज्ड हैं, हम उसके लिए भी बहुत स्पेशल जो हैं स्पेशलिस्ट हैं रिफ्यूज़ल केसेस के लिए, तो आप मस्ट विज़िट कर सकते हैं। हमारी फ़ीस जैसे भाई ने बताया कि 800 दराम है, हम 800 दराम ही लेते हैं, जिसमें हम आपको पूरी फाइल बना के देंगे। हम आपको अपॉइंटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल, रिटर्न टिकट, कवर लेटर, डे टू डे प्लान, ये डॉक्यूमेंट पूरे कम्प्लीट बना के देंगे। इधर से आप फाइल उठाओगे, VFS ग्लोबल में जाके जमा करोगे, वहाँ पे 15-20 मैक्सिमम वर्किंग डेज का टाइम लगता है। इंटरव्यू कोई नहीं आता है शनिगन में वेस्टर वीज़ा में, तो 15-20 दिनों के अंदर आपको जो भी उसका डिसीजन है मिल जाता है मोस्ट प्रोबेबली। मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंट्री आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सूटेबल है, तो जो कंट्री अभी के टाइम में इजीली वीज़ा दे रही है, हम उसी में ट्राई करते हैं, उसी में ही वीज़ा डालने के लिए आपको बताते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल। जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट होंगे वो भी हम बताएंगे, कौन कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो आप लगा सकते हो। तो उस तरीके से अगर आपकी फाइल अच्छी बनी हुई है, प्रोफाइल आपकी थोड़ी अच्छी है, इजीली वीज़ा मिल जाता है। इन भाई को भी थैंक यू, इन्होंने हमारी सर्विसेज ली। और अगर आप भी आना चाहते हो तो मंडे टू सैटरडे आप आ सकते हो, फ्रॉम मॉर्निंग 11 to 9 हमारा ऑफिस खुला है, संडे हमारी छुट्टी रहती है, कभी भी आना है। स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए हैं, उनके ऊपर कॉल करके थोड़ा टाइम फिक्स करके आ जाओ, फ्री कंसल्टेंसी है। अगर कुछ भी पता करना है, समझना है, उसके लिए हम कोई भी पैसा नहीं लेते। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे।